हर हर महादेव, सीताराम। आप सभी को एक बार आप सभी का स्वागत मेरे नए ब्लॉग में। तो आज निकले हैं नांगनी ठांग की तरफ, और आज का जो मौसम है वो है बहुत ही खूबसूरत। अभी पहुंच चुके हैं संकुर्णा धार, जहाँ से मैं निकलने वाला हूँ माँ नांगनी के मंदिर। तो ये है यहाँ का नेशनल हाईवे जो जाता है केदारनाथ की तरफ, और यहीं से एक रास्ता निकलता है जो है जंगलात की रोड। इस रोड पे गाड़ियां तो आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन चलने की सुविधा है। तो मैं चल चुका हूँ संकुर्णा से। यहाँ से 10 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद ऊपर सबसे टॉप ऊपर मंदिर है माँ नांगनी का, और वहीं का आज मेरा यात्रा है, और मैं आप लोगों को वहीं से आज लाइव भी शायद दिखा पाऊँ। तो आशीर्वाद है प्रभु जी ऊपर वाले का भी, और कुछ दुआएं आप लोगों की भी कि मैं ऐसे चल पाता हूँ। ये मेरा बैग आज ज़्यादा भारी नहीं है, भारी तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि इसमें ना आज मैंने टेंट नहीं लाया, क्योंकि टेंट में आज मैंने सोचा है कि ऊपर गौशाला है वहाँ रुक जाऊँगा, दूसरे दिन मैं ऊपर पहुँच जाऊँगा। मतलब मैं एकदम से नहीं पहुँचने वाला, क्योंकि आप लोगों को नेचर दिखाना है ना, तो नेचर खोज के निकालना पड़ता है। वैसे मैं अभी हूँ पहिन पहाड़ों और पेड़ों के बीच में, तो बहुत ही शानदार व्यू यहाँ का है। ये मेरे YouTube चैनल पे आप अगर देखेंगे ना, मेरा फर्स्ट ब्लॉग जो है वो यहीं का है, इसी रास्ते का। तो मैं दोबारा नहीं, मैं यहाँ पर तिवारा आ रहा हूँ, दोबारा में मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, लेकिन तिवारा में अभी आया हूँ और अभी आप लोगों को दर्शन करवा रहा हूँ इस नेचर का। यहाँ की तो क्या ही बताऊँ, देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, शानदार। तो बस देखते हैं प्रभु जी आगे आगे होता है क्या, और मिलवाते हैं आगे, नज़ारा बहुत सुंदर है। जो सामने आपको इस जंगल में टावर दिखाई दे रहा होगा, वहीं से रास्ता है माँ नांगनी का। जंगलात की जो ये रोड आपको दिखाई दे रही होगी, ये होती है यहीं पर समाप्त, और यहाँ से एक छोटा सा रास्ता आपको लेकर जाता है मंदिर की तरफ। तो आइए चलते हैं आगे की ओर। ऐसी जगह बैठने को मिल जाए और ऐसी शांति हो तो मैं क्या ही बताऊँ आपको, कुछ आवश्यकता ही नहीं पड़ती फिर दूसरे चीज़ों की। आदत सी पड़ गई है जंगलों में रहने की, आदत सी पड़ गई है इस प्रकृति की। ये नहीं होती है ना तो दिन बिल्कुल सूना सा लगता है, आपको सच में बता रहा हूँ। और मैं आज से इससे नहीं जुड़ा हुआ हूँ, बहुत कम से कम 1.5 सालों से इससे जुड़ा हुआ हूँ, और जहाँ मैं आज जा रहा हूँ यहाँ का मेरा बहुत पुराना इतिहास है। जब भी कभी शांति महसूस होती थी जीवन में, जब भी कभी लगा कि प्रकृति से दूर हो रहा हूँ, तो घर से चला आता था इधर। मेरा घर यहाँ से आपको कम से कम 10 किलोमीटर नीचे आपको जाना पड़ेगा रोड पे, तब आपको मिलेगा। अभी मैं 4 किलोमीटर ऊपर चढ़ चुका हूँ, और ये मेरा बैग है, और ऊपर महाराज जी भी हैं, तो आज आनंद आने वाला है वैसे भी। और यहाँ आते ही तो मैं यादें ताज़ा हो गई, और बहुत सुंदर मुझे अभी लग रहा है, क्या बताऊँ। देखिए शांति, देखिए दूर दूर तक कोई नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं मिलेगा आपको। पहाड़ों में ना अक्सर पानी की असुविधा आजकल आपको नहीं दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ है बरसात का मौसम, और उत्तराखंड बरसात में सबसे ज़्यादा बरसता है बादल। तो अभी मैं आया हूँ ये झरने के पास, हमारे यहाँ से झरना नहीं बोलते, हमारे यहाँ कुछ और इसे कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे टैंक बनी हुई है। ये टैंक इसलिए बनी हुई है क्योंकि यहाँ से नीचे कम से कम शायद 5 या 7 किलोमीटर नीचे गाँव है चकोन, तो वहाँ के लिए यहाँ से पानी जा रहा है। तो सोचिए कितना शुद्ध पानी उत्तराखंड के व्यक्तियों को मिलता है। देखिए नेचर, और नेचर से सीधा पानी आपके सीधे उनके घर में पहुंचता है, तो सोचिए कितनी मस्त बात है। और ऊपर देखिए नज़ारा कितना अच्छा है। तो यहाँ पर आजकल पानियों की कोई पानी की तो बिल्कुल समस्या नहीं है, कभी कभी पड़ जाती है जून के महीने या मई के महीने, लेकिन आजकल बिल्कुल समस्या नहीं है। आजकल यहाँ हर जगह से पानी पानी बस निकल रहा होता है। मैं भी यहाँ पे से पानी पीने ही आया हूँ, क्योंकि मेरी बोतल भी खाली हो गई, तो मैं भी उसे भर लूँ ज़रा और अपने पास पानी लेके चलूँ। अभी मुझे 8
या 9 किलोमीटर के आसपास ऊपर चढ़ना है तो फिर मुझे नांगनी माँ का मंदिर मिलेगा और महाराज जी मिलेंगे। तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि उस जगह पे फिर से जा रहा हूँ जहाँ से मेरी शुरुआत हुई है, तो इसीलिए आपको भी मिलाना चाहता हूँ। वो तीर्थ बहुत उच्चतम और श्रेष्ठतम है, वहाँ पे महाराज जी जो बैठे हैं वो उनकी तो मैं बात ही क्या कहूँ, वो तो निराले आदमी हैं, बिल्कुल राधे नाम वाले आदमी हैं, सीताराम वाले। तो मिलाते हैं आपको, फिलहाल मैं पानी पी लूँ ज़रा। पहाड़ों में चलने के लिए होते हैं बस इतने ही छोटे रास्ते, तो बड़ा संभल कर चलना पड़ता है। तो मैं फर्स्ट टॉप पे पहुंचने ही वाला हूँ। यहाँ ऊपर जो नेचर होता है ना प्रभु जी, मैं आपको बता नहीं सकता, इतना शानदार होता है वो आप लोग भी देखने वाले हैं। देखिए यहाँ से कुछ दिखेगा नहीं, दिख रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो मैदान है वो देखने लायक है, बहुत ही शानदार। तो डायरेक्ट वहीं तक ले जाता हूँ आपको आज। चढ़ाई थी, थोड़ा थक गए, पसीना भी आ गया, और एक दो दिन का ब्रेक लिया ना जो, उसकी वजह से भी थोड़ा कठिनाई है आज चढ़ने में, लेकिन फिर भी आदत तो आदत होती है, चढ़ने की आदत तो है ही। और यहाँ के रास्ते भी लद्दाख से तो अच्छे ही हैं। लद्दाख में जो रास्ते से प्रभु जी पूछिए मत, सिर्फ पत्थर और सूखे पहाड़, ऐसा नेचर नहीं था वहाँ। देखिए हाँ खराब ऊपर, बस मैं पहुँचने वाला हूँ, ये रास्ता देखो कैसे, बस मैं पहुँचने वाला हूँ। और ये आपको जैसे जैसे उजाला होता जा रहा है आप समझ लीजिए कि आप नेचर के बिल्कुल करीब पहुँचने वाले हैं। ओहो वाह राधे, ये देखो, हाय यही है भाई जगह, ये जो फर्स्ट चढ़ाई थी ना यहीं पे ख़त्म हो जाती है, और इसके बाद यहाँ ऊपर जो पर्वत दिख रहा है ना इसके ऊपर वो मंदिर है, तो यहाँ चढ़ना है प्रभु जी। और यहाँ पे ना मैंने एक बार ही टेंट लगाया था सर्दियों के महीने, लेकिन जो उस दिन ठंड लगी थी आज भी याद है मुझे कैसे मैंने रात काटी थी। ये जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें सारे सुअर नहाते हैं, मैंने भी कोशिश करी कई बार इनमें नहाने की, इनमें नहाने का भी अपना ही मज़ा है, तो सोचता हूँ आज देखता हूँ नहाता हूँ शायद। यहाँ पर तो सुअर नहाते हैं, और जंगली सुअर कह रहा हूँ मैं, वो जंगली सुअर हैं जो वो यहाँ पर नहाते हैं। और ये नांगनी धाम का फर्स्ट स्टॉप है, तो आजकल सावन का महीना है तो ऐसे स्विमिंग पूल बने होते हैं इधर, आप लोग स्विमिंग पूल में नहाए होंगे, लेकिन इस स्विमिंग पूल का जो आनंद है ना भाई मैं बता नहीं सकता आपको, कितना मज़ा आता है। यहाँ ना साबुन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, साबुन लगाने के लिए ना ये है मिट्टी, यहाँ की मिट्टी ऐसे लगाना होता है, ऐसे बिल्कुल बढ़िया करके, इससे चमक आती है बिल्कुल, और जो हमारे जो हमारी त्वचा पे जो बीमारियां उत्पन्न हो रही होंगी ना वो भी साफ होती हैं। इधर पूरे 2-3 जगह पे स्विमिंग पूल है, वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, और यहाँ पे तो है, यहाँ पे सबसे अच्छा बेस्ट वाला है। ये हैं पहाड़ी मशरूम जिनकी सब्जी होती है बहुत ही सुंदर, तो इनको बनाने की तैयारी कर रही हैं माताजी अभी। तो अभी मैं बैठ चुका हूँ यहाँ पर, पीछे नहाया था जहाँ पे, तो स्नान करके मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे पीछे देख सकते हैं आग जल रही है। आग क्यों जल रही है, क्योंकि यहाँ से नीचे मैंने आपको कहा था कि 5-6 किलोमीटर नीचे एक गाँव है चकोन नाम से, हमारे धनारी क्षेत्र में आता है, तो वहाँ से जो लोग हैं उनके यहाँ पर गौशालाएँ हैं और उनकी गाय भैंस, और वो खुद भी यहीं पर रहते हैं 6 महीने के लिए। बाकी अंदर आग जल रही है और शायद चाय बना रहे हैं, और मैया को देख सकते हैं आप, ये मैया स्माइल कर रही है और हमसे बहुत कुछ पूछ रही हैं लेकिन हम नहीं बताएंगे। और इधर से भी एक मैया बैठी हैं। सोलर प्लेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है पहाड़ों में सोलर प्लेट, क्योंकि यहाँ लाइट तो है नहीं ना भाई, तो सोलर प्लेट से चार्ज करना होता है फ़ोन को। मेरे बैग में भी है बहुत बड़ी, लेकिन नहीं निकाली मैंने क्योंकि यहाँ पे लगी है, तो उससे ही करते हैं। तो नहा धो के टीका चंदन करके और मैया की हाथ की चाय पी के
मैं निकल चुका हूँ अपने गंतव्य की ओर और थोड़ा ना आज कल सावन लगा है ना तो रास्ता पूरा बंद हो चुका है, घास घास हो चुकी है। दिख रहे हैं पीछे, दिख रहे हैं यहाँ मैया मिली थी, वो चाय पिलाई हमें। और मैं यार बता नहीं सकता आपको, इतनी खुशी हो रही है ना आज यहाँ जाने में, मैं बहुत ज़्यादा। और मेरे को 3-4 दिन हो गए थे, जंगल नहीं मिल पा रहा था, नेचर नहीं मिल पा रहा था, प्रकृति नहीं मिल पा रही थी, लेकिन आज भरपूर आनंद लिया है। और अभी तो गंतव्य तक पहुँचे भी नहीं है, वो जो आपको टॉप दिख रहा है ये वाला, यहाँ पे मुझे चढ़ना है, वहाँ पे मंदिर है, तो वहाँ पे महाराज जी के साथ जब भजन चलेंगे, कौन से राम सिया राम वाले, जब मज़ा आएगा भाई, तो आनंद आने वाला है, बने रहिएगा साथ आप। अंत में आप सभी को मेरा प्रणाम एवं आप सभी से निवेदन कि कृपया आगे का ब्लॉग जरूर देखें ताकि आपको दर्शन हो सकें महान नांगणी के। तो यहीं पर समाप्ति करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।